महान गदरी योधे करतार सराब दी याद च अते गदरी देशभक्तां नूं याद करन कत्तर कोई वीरों भैणों बहुत सारे साथियों ने करतार सराबे बारे तुहाडे नाल बहुत गल्लां सांझियां कीतियां ने। करतार सराबा गदर लहर दे सारे महान योधियां नालों सब तो घट उम्र दा सी, खांदे पींदे परिवार। जदों मैं सारा आ हफ्ता करतार सराबे बारे पढ़िया तां उहनां दे तिन्ने चाचे चंगियां सरकारी नौकरियां करदे सी, मां बाप दा छाया छोटी उम्र च सिर तों उठ गया सी, दादे ने पालिया पोसिया ते अमरीका दे विच जिन्ने देश भगत गदरी बाबे ने ओ जिहड़े बस्तीवादी साम्राज्यवाद दे सताए होए, क्योंकि भारत दे विच लगातार गुलाम सी। असीं छोटे हुंदे पढ़ते रहे हैं कि सोने की चिड़ी नूं इन्हां ने पित्तल की चिड़ी बनाता, पर जो अज हालात ने हिंदुस्तान दे मैं समझदा कि वह पित्तल की चिड़ी भी नहीं रहनी, वह खड़ौना चिड़ी रह जानी है जो अज साम्राज्यवाद हिंदुस्तान की लुट कर रहा। तो करतार सराबे नाल साथियों ने जिक्र किया कि अमरीका दे विच नस्ली वितकरा सी, थां थां साढ़े पंजाबी हिंदुस्तानी एशियन लोगों ते काले लोगों ना दो नंबर दे शहरियां वाला वर्ताव हो रहा सी। नौवीं दसवीं च ही करतार सराबा आपदे सिलेबस की पढ़ाई नूं छड्ड के होर किताबां इधरलियां उधरलियां उन्हें पढ़निया शुरू करती सी नौवीं दसवीं च। ते जदों 1913 च जिहड़े बानी मैंबर ने गदर लहर दे उन्हां च करतार सराबा बानी मैंबरां च सी, ते इहदी जिहड़ा हिरदा इहदे मन नूं जिहड़ा अमरीका दे विच धक्का तोड़ा हो रहा सी नस्ली वितकरा उहदे खिलाफ पूरा रोह जग गया। तां इहने लाला हरदयाल होणा दे लैक्चर तों भी प्रभावित होए। बाबा सोहण सिंह भकना जिहड़े बड़ा लम्मा जीवन बतीत करके संसार नूं अलविदा कह के गए ने, ते हिंदुस्तान दीआं हालतां उह जिहड़ी सो कॉल्ड आजादी आई सी उह लम्मा टाइम उन्हां ने आपदे हड्डी हंडाई। तां मैं समझदा कि 1857 दा जिहड़ा अंग्रेज बस्तीवाद दे खिलाफ पहला गदर होया दुनिया ते, एक गदर पार्टी उस 1857 दे गदरी योधियां तों प्रेरणा लेके बनी सी। ते गदर पेपर कढ़ना शुरू कीता जिहड़ा उदू बाद गदर दी गूंज बदलिया। ते आ जिहड़ी लिखी हुई है करतार सराबे नाल जुड़ी हुई देश सेवा, देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, अज प्रेस बहुत साइंस तरक्की कर गई, सानू अखबार कढ़ने दुनिया ते गल पहुंचाउणी बहुत सौखी आ, पर उदों तरक्की नहीं सी इन्नी। साइकलो स्टाइल दी मशीन करतार सिंह सराबा जदों गेड़ गेड़ के चलाउंदे सी, कल्ला कल्ला पेपर कढ़दे हुंदे सी, तां उदों आह गीत करतार सराबा गाया करदा सी। ते लाहौर साजिश केस च 17 जिन्हां नूं गोरियां ने घट खतरनाक समझिया उन्हां दी मौत दी सज़ा नूं उम्र कैद च बदलिया। 6 साथियों 16 नवंबर 1915 नूं जिहड़ी फांसी दित्ती आ करतार सिंह सराबे दे नाल, बख्शीश सिंह अंबरसर तों, हरनाम सिंह सियालकोट तों, जगत सिंह जिला लाहौर तों, सरैण सिंह नंबर 1 ते सरैण सिंह नंबर 2 अंबरसर तों, ते बिष्णु गणेश पिंगले पुणे महाराष्ट्र तों सी। तां मैं समझदा कि जदों 1857 दे गदर तों प्रभावित होके गदर पार्टी बना के
गदर का नारा दे के इन्होंने कहा कि वतन चलो गदर करन, तां करतार सिंह सराबे दे बड़े जिक्र आउंदे आ। एक उदाहरण मैं तुहाडे नाल सांझी करनी आ जिहड़ी बड़ी उन्होंने नाल जुड़ी हुई आ। तुहानू पता कि गुरीला ढंग की लड़ाई 1857 के गदर वांग उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजा नू हिंदुस्तान चो कढ़न लई हथियारबंद लड़ाई लड़नी पऊ, हथियार खरीदने लई जिथे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिता, तो उत्थे जिक्र आउंदा कि जदों पढ़ाई लई $200 दादे वालों इन्हां नू अमरीका च गए, तो करतार सराबे ने वह गदर पेपर लई फंड दिता। जदों पंजाब दे विच गए ने तो इन्हां ने योजना बनाई कि हथियार खरीदने लई आपां नू डाके मारने पैणे ने। बहुत बड़ी डिबेट हुई, बहुत सारे गदरी योधिया ने डाके मारन का विरोध किया। असी बहुत सारे साथी इत्थे बैठे हैं लुधियाने जिले के, पहला डाका इन्होंने सानेवाल पिंड च मारिया, दूसरा सराबे के बहुत ही नेड़े पिंड जोधा कोले मनसूरा पिंड च मारिया, तीजा डाका मंडी अहमदगढ़ कोले लोहटवट्टी मारिया। पहले डाके दे विच ही करतार सिंह सराबे दे एक साथी ने उस घर च सोहनी सुनखी कुड़ी सी उन्हू देख के उहदी नीत डोल गई, उन्हें कुड़ी दी बांह फड़ ली, कुड़ी ने घबरा के रौला पाउणा शुरू करता। तां जदों करतार सिंह ने देखिया तां उहने आपदा रिवालवर उहदी पुड़पड़ी ते ला के कहा कि गदारा तेरे लई मौत दी सज़ा, ते जां तां पैरी डिग के, क्योंकि हालात इहो जिहे ने, मैं तैनूं इन्नी छेती मारना भी नहीं चाहुंदा पर सज़ा तेरी मौत आ जे तू इहदे पैरी डिग के। इहनूं आपदी भैण कह के माफ़ी तैनूं इह दिंदी आ, इह तेरी माँ, तां मैं तैनूं माफ़ कर सकदा। जाणी इह उदाहरण कि उह कोई खूंखार व्यक्ति नहीं सन, उच्चे सुचे करैक्टर दे देश भगत कुरबानी दे पुंज सारे आपदे कैरियर नूं तबाह करके विदेशां चों जायदादां छड के उमर कैदां कट्टियां, काले पाणियां दीआं सजावां झलियां, 2.5-2.5 फुट दे पिंजरियां च बंद होए, आपदियां जायदादां कुरक करवाईआं। तां मैं समझदा कि उस माता ने कहा करतार सिंह तो प्रभावित होके जज्बाती होगी मां कि तुसी इन्ने चंगे इंसान होके ये डाके मारन वर्गा घटिया कम किवें कर रहे हो। तां करतार सिंह सराबा ने दस्सिया कि असी हथियार खरीदने ने गोरी जालम सरकार नूं इत्थों दबल के इत्थे बराबरता वाला राज लिआउणा जिहदे च नौजवान बेरुजगारां नूं विदेशां च धक्के ना खाने पैण। तां उस माता ने कहा कि मैं इस तुहाडी भैण कुड़ी दा ब्याह करना, तुसीं तां मेरा सारा कुछ लुट के लै चले। तां करतार सराबे ने सारा कुछ झोली च पाता मां दी कि आ चक ला, माता जिन्ने तैनूं कुड़ी दे ब्याह लई चाहीदे ने रख ला। तां माता ने बहुत ही संखेप पूंजी, घट्टो घट पूंजी रख के कहा के जो दियो जाओ मेरा आशीर्वाद आ तुहानू। करतार सराबे दा दादा करतार सराबे नू कह रहा कि लोग तां तुहानू गालां कढ रहे ने, ओ सराबिया तुसी केड़े राह पै गए। ते करतार सराबा आपदे दादे नू पुछदा कि फलाना जिहड़ा बजुर्ग आ, दादा जी कहिंदे ओह तां प्लेग नाल मर गया, कहिंदा फलाना जिहड़ा बजुर्ग आ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਜੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਜੇ ਨਾਲ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਰੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ करतार सराबा पेश हुंदा तां सब कुछ जो साजिश अधीन जिहड़ियां स्पैशल कोर्टां
गोरी सरकार ने स्पेशल कोर्टा बनाईया सी, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, झूठे केस पा पा के सारे नूं सजावां देनियां सी। तां अंग्रेज जज ने कलम मूंह च ले ली कि इन्नी छोटी उम्र का मुंडा सब को प्रवान कर रहा, ते उन्हूं फिर कोशिश की भगत सिंह वांग कि तू रहम की अपील कर। भगत सिंह ने उत्थे भी कहा मैं कोई रहम नहीं मंगना, मैनू पता तुसी मैनू उम्र कैद जां फांसी दो देनी आ, पर मैं चाहना कि तुसी मैनू जिन्ना बड़ा मैं थोड़े खिलाफ लड़ाई लड़ रहा तुसी मैनू फांसी देवो, मैं हस हस के फांसी दे रस्से ते झूल जावांगा। सो मैं समझदा कि गदर लहर दा सब तो छोटी उम्र दा महान नायक शहीद भगत सिंह नूं पढ़ो। शहीद भगत सिंह सब तो वध गदर लहर दे योधियां चो करतार सराभे नूं आपदा नायक हीरो मानदा सी। उहदी फोटो जदों भगत सिंह नूं फांसी होई आ उहदी जेब चों करतार सराभे दी फोटो निकली सी। मैं इत्थे पढ़ रहा सी कि स्लाइड शो राहीं करतार सराभे दे कारनामे लोकां नूं दिखा रहा सी भगत सिंह ते उहदे साथी, ते इह 1915 च फांसी दे रस्से ते झूल गए। ते उदों बाद भगत सिंह बाबा सोहण सिंह भकने हुणी कहिंदे ने कि साडे लई सब तो वध प्रेरणा दा स्रोत करतार सराभा। हुण इह महान योधियां ने एडियां एडियां वड्डियां वड्डियां कुरबानियां कीतियां, अज इत्थे आके थोड़ी खुशी हुई है। बहुत सारे साथियों ने इस गल नूं कोरलेट किया कि करतार सराभे गदरी बाबियां दियां जां महान देश भगतां दियां कुरबानियां दा की मुल पिया कि नहीं पिया। इहदे ते सब दी साफ ते स्पष्ट राय है कि जिहड़ी 1947 च अंग्रेजां नाल समझौता होके सो कॉल्ड आजादी आई आ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਉੱਚੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗਰਕ ਕੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 4 ਦਿਨ ਦਾ खेड समागम करती है। पंजाब दे विच मुख मंत्री बादल होवे, कैप्टन अमरिंदर होवे, जां कोई होर होवे, उह सारे जिवें भगत सिंह हुणां दे बुत्तां नूं जाके फुल्लां दे हार पाउंदे आ, सराभे भी जांदे आ। कल बादल फिरदा सी सराभे भज्जिया, ते सराभे पिंड तुसीं उह भी खबरां पढ़ लिया करो प्रैस दियां कि सराभे पिंड दे विच, मेरा पिंड भी उत्थे डेलों कोले गुरम 10 किलोमीटर ते 15, मैं सराभे जाना। असी गुरशरण भाजी दे नाटक एक दिन उत्थे शाम नूं हुंदे सी, असी 15-20 साल उह नाटकां ते जांदे रहे आ। सराभे दे घर दी दुर्दशा डिग रहा सी। लुधियाणे 9 घरे महल्ले च शहीद सुखदेव भगत सिंह दा साथी, उहदा घर डिग रहा, खंडर बणिया पिया। भगत सिंह की 100 साल शताब्दी बनाई 2007 च, सेंटर गौरमेंट ने 10-15 करोड़ रुपया दिता बादल हुणां नूं 100 साल शताब्दी बनाउण लई। तुसीं पढ़िया शताब्दी किवें मनाउंदे ने शहीदां दी, ओह तुसीं किवें मनाउंदे हो? क्लीयर कट लकीर आ जिथे ओह सरकारां मनाउंदियां ने जिहड़े लोकां दा गदर लहर नाल देश भगतां नाल कोई संबंध नहीं। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਲਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।